वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी वो मैथमेटिकल रिलेशंस जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बना सके। तो प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी हमारा एक्स एन, चूंकि हमने डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने सिग्नल का, तो हमारा जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है ये पीरियोडिक होगा, तभी उस पर डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज हम लगाते हैं। तो अगर एन सैंपल्स के बाद हमारा एक्स एन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उस केस में हमें एक्स एन प्लस एन की वैल्यू एक्स ऑफ एन के बराबर मिलती है। हमारा सिग्नल पीरियोडिक है। अगर हम इसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब सी के कैलकुलेट करते हैं, तो ये सी के भी पीरियोडिक होता है विथ सेम फंडामेंटल पीरियड, यानी सेम नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, यानी सी के प्लस एन की वैल्यू सी के बराबर होगी। तो सपोज हमारा जो सिग्नल है एक्स एन है, वो तीन सैंपल्स के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो उस केस में जब हम उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सी के कैलकुलेट करेंगे, तो सी के प्लस थ्री करेंगे तो हमें सी के की ही वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो जो फूरियर सीरीज डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है वो भी पीरियोडिक होता है, सेम नंबर ऑफ सैंपल के बाद अपने आप को ये रिपीट करता है। तो ये है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। दूसरी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज लीनियर देती है कोएफिशिएंट्स, यानी अगर हमारे पास दो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हैं x1n और x2n, जहां पर x1n का DTFS कोएफिशिएंट है c1k और x2n का DTFS कोएफिशिएंट है c2k। अगर हम a1x1n प्लस a2x2n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, DTFS कैलकुलेशन करें, तो हमें मिलेगा a1c1k प्लस a2c2k, जहां पर a1 और a2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार अगर x1n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है c1k, x2n का है c2k, तो a1x1n प्लस a2x2n का हो जाएगा a1c1k प्लस a2c2k। अगली प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमें बताएगी कि अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करें बाय सम कांस्टेंट बी, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा e की पावर माइनस जे 2 पाई के बी अपॉन एन का। जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा e की पावर माइनस जे 2 पाई के बी अपॉन एन। यहाँ पर n नंबर ऑफ सैंपल्स को बताता है और b शिफ्ट को बताता है। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार जब हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का, जिसके कारण से इसका एम्पलीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन इसके फेज में चेंज आ जाएगा,
और वो फेज चेंज माइनस 2 पाई के बी अपॉन एन के बराबर होगा। वो फेज चेंज माइनस 2 पाई के बी एन अपॉन एन के बराबर होगा। तो ये थी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो टाइम शिफ्टिंग का ही ड्यूअल होगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारा पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स एन, जिसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी के, अब अगर हम इस फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को शिफ्ट करें बाय सम कांस्टेंट के नॉट, उस केस में टाइम डोमेन वाले सिग्नल में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ई की पावर जे 2 पाई, ई की पावर जे 2 पाई के नॉट। दिस इज के नॉट, तो यहाँ पर के नॉट आएगा, के नॉट एन अपॉन एन का। यहाँ पर के नॉट शो कर रहा है शिफ्ट को, और ये जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सैंपल्स को। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उस केस में टाइम डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक एक्सपोनेंशियल का, जो इसके एम्पलीट्यूड को तो नहीं बदलता लेकिन फेज इंफॉर्मेशन हमारे सिग्नल की बदल जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये के नॉट की शिफ्ट है वो यहाँ पर यहाँ आती है। तो ये थी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी है स्केलिंग। स्केलिंग प्रॉपर्टी जब हम अपने टाइम डोमेन सिग्नल पर लगाते हैं, मतलब स्केलिंग हम करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को स्केल करें तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा। अब सपोज हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को स्केल कर रहे हैं किसी कांस्टेंट अल्फा से, तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज की स्केलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि उस केस में रिस्पेक्टिव फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर से। यानी कि अगर एक्स एन का डी टी एफ एस कोएफिशिएंट है सी के, तो एक्स ऑफ अल्फा एन का डी टी एफ एस कोएफिशिएंट हो जाएगा अल्फा इंटू सी के, मतलब सी के में हम अल्फा का स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये है स्केलिंग प्रॉपर्टी डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज की। अगली प्रॉपर्टी है कन्वल्यूजन। कन्वल्यूजन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, अब एक्स वन एन और एक्स टू एन हमारे पीरियोडिक सिग्नल हैं जिनके रिस्पेक्टिव डी टी एफ एस कोएफिशिएंट हैं सी वन के और सी टू के, अगर हम इन टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल्स का कन्वल्यूजन करते हैं तो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स यानी सी वन के और सी टू के आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन। अब डी टी एफ एस के केस में ये कन्वल्यूजन बाकी के कन्वेंशनल कन्वल्यूजन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इस केस में हम ये जो कन्वल्यूजन कर रहे हैं ये डायरेक्ट कन्वल्यूजन ना होकर ये होता है पीरियोडिक कन्वल्यूजन। पीरियोडिक कन्वल्यूजन यानी इस कन्वल्यूजन का ऑपरेशन हम करते हैं एक पीरियड में, फंडामेंटल पीरियड जो हमारे सिग्नल का होता है उसमें। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सिग्नल्स हैं तो हमारे कन्वल्यूजन की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
एक्स वन के एक्स टू एन माइनस के। जब सिंपल कन्वोल्यूशन होता है जिसमें हम पीरियोडिसिटी को अलग से मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के केस में ये कन्वोल्यूशन पीरियोडिक कन्वोल्यूशन होता है। यानी इस केस में जब हम अपने सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन करेंगे तो उस केस में समेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगी बल्कि होगी जीरो से एन माइनस वन। यानी जितने सैंपल के बाद हमारा सिग्नल अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है उसको कंसीडरेशन में लेकर के हम कन्वोल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर एन सैंपल्स के बाद हमारा सिग्नल अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर एन स्मॉल एन की वैल्यू लेंगे जीरो टू एन माइनस वन, क्योंकि हमें कन्वोल्यूशन करना है एक पीरियड में, इसीलिए क्योंकि इसको हम कहते हैं पीरियोडिक कन्वोल्यूशन। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीरो टू एन माइनस वन एक्स वन के एक्स टू एन माइनस के, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा सिर्फ आपका पीरियड बदल रहा है। और यही कंसेप्ट बनती है आगे जाके सर्कुलर कन्वोल्यूशन। तो अब कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन जो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन हम करते हैं डीटीएफएस में, और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स का पीरियोडिक कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो उस केस में उनके रेस्पेक्टिव फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, उनके रेस्पेक्टिव डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन, जहां एन सैंपल्स के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल कन्वोल्यूशन नहीं है, पीरियोडिक कन्वोल्यूशन है। तो ये थी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज की। अब अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स हैं x1n और x2n जिनके रिस्पेक्टिव डीटीएफएस कोएफिशिएंट्स हैं c1k और c2k, उस केस में अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्पेक्टिव डीटीएफएस कोएफिशिएंट्स आपस में कन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि एक डोमेन का कन्वोल्यूशन दूसरे डोमेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक पीरियोडिक कन्वोल्यूशन होगा। पीरियोडिक कन्वोल्यूशन होगा तो इस कन्वोल्यूशन की लिमिट्स हम रखेंगे जीरो टू एन माइनस वन। तो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज की।